उधर चांद पर मानव रहित यान उतारने वाली भारत के चंद्रयान 2 के लिए लॉन्च के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शाम 6:43 पर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल दोपहर 2:43 पर चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इसके पहले 15 जुलाई की रात लॉन्च को 56 पहले ही रोक लिया गया था, लेकिन इसरो के मुताबिक अब पूरी तैयारी कर ली गई है। वहां से और जानकारी आपको दे रहे हैं हमारे संवाददाता सिद्धार्थ। 22 जुलाई को 2:43 पर चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग है। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 2 हम कह सकते हैं धरती के कक्षा में स्थापित हो जाएगा और उसके बाद ये 23 दिनों तक धरती के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। लेकिन इस दौरान क्या किया जाएगा? इस दौरान लगातार इसकी कक्षा को बढ़ाया जाएगा। ये अंडाकार कक्षा और ज्यादा अंडाकार होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये चंद्रमा के प्रभाव में आ जाएगा और वहां से इसका हम कह सकते हैं कि ऑर्बिट ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब धरती की कक्षा से इसको चंद्रमा की कक्षा में ट्रांसफर किया जाएगा और इसके लिए स्क्रैमजेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी एक खास तरीके के रॉकेट्स जो इस चंद्रयान 2 के मूवमेंट को बदल देंगे। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि 48वें दिन ये चंद्रमा की सतह पर लैंड रोवर उतारने की तैयारी की जाएगी और आने वाले दिनों में चंद्रमा पर, जो भारत का सपना है कि चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यात्री उतारा जाए, उसकी पूरी तैयारियां करेगी और साथ ही साथ रूपरेखा बनाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसरो लगातार अपने परीक्षणों से, अपने मिशन से लगातार सीख रहा है और कहीं ना कहीं भारत का नाम ऊंचा कर रहा है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ सिद्धार्थ, श्रीहरिकोटा, आज तक। इस बार चंद्रयान 2 पर किसी भी तरह का ग्रहण न लगे, इस तरह की हम उम्मीद करते हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी कमियां दूर कर ली हैं और अब कल होगा प्रक्षेपण चंद्रयान 2 का।